जैसे मान लो कि टैली में कोई ऐसा सवाल दे दिया जाए कि 2000 रुपये का एक सामान खरीदा, सामान का नाम नहीं दिया है, 2000 रुपये का एक सामान खरीदा, 3000 रुपये का एक सामान खरीदा, 4000 रुपये का एक सामान खरीदा, ऐसी एंट्री करने के लिए जाए, तो पहले तो आपके स्टॉक में कैसे एंट्री पास करोगे, इसकी एंट्री कैसे पास करोगे? हाँ, मान लो परचेज में ही करनी है तो सामान का नाम नहीं दिया गया है, केवल ये दिया गया है कि ये सामान 2000 रुपये का खरीदा, ये सामान 3000 रुपये का खरीदा, ये सामान 4000 रुपये का खरीदा, ऐसे दिया गया है, तो उसी की एंट्री बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएंगे और ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे बी हाईलाइट है, बी प्रेस कर दीजिए, पेमेंट वाउचर, परचेज में जाने के लिए F9, F9 प्रेस करेंगे परचेज में जाने के लिए, ये देखिए ये F9, यहाँ से प्रेस कर सकते हैं या F9 दबा भी सकते हैं, यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंटर करेंगे, यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग, तो मान लो कि यही डेट है, सपोज करो यही डेट है, या फिर डेट चेंज करना है तो F2 प्रेस करके यहाँ से डेट चेंज कर लोगे, मान लो 1/8/2021 ये डेट है, ठीक है, ये डेट हमने डाल दिया, यहाँ पर तो डेट चेंज हो गया, ये दिख रहा है 1/8/2021 हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं चेंज हुआ, तो हाथ से टाइप कर सकती हो 1/8/2021, ऐसे टाइप कर लोगी तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। अब बात आएगी क्रेडिटर पार्टी की, ठीक है, तो क्रेडिटर पार्टी किससे परचेज किया जा रहा है, तो क्रेडिटर पार्टी का नाम देना होगा, ठीक है, तो मान लो कि ये मनोज सी जो है यही क्रेडिटर पार्टी है हमारी, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे, इन्हीं से सामान परचेज किया जा रहा है, बाकी यहाँ परचेज हो जाएगा, परचेज अमाउंट का ले जाना जाएगा, यहाँ पर क्या करोगी, सामान का नाम तो दिया नहीं गया है तो आइटम वन करोगी, ठीक है, क्या करोगी, आइटम वन, तो यहाँ अल्ट सी करके लेजर बना लो, आइटम वन, अमाउंट दिया गया है लेकिन ये नहीं दिया गया है कि क्या नाम है, तो आइटम वन रख लोगी, ठीक है, और यहाँ पे एनएस कर देंगे ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि इतने नंबर्स में परचेस किया गया, ये हमको नंबर्स तो दिया गया है, अगर नंबर ना दिया हो तो अब तक क्या करेंगे, तब भी उपाय है, अगर मान लो इस पे जीएसटी सेपरेट हमें देना है तो यहाँ से अल्टर पब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर देना, ठीक है, यहाँ ऑन वैल्यू रख करके यहाँ पर आ जाना, यहाँ पे टैक्सेबल कर लेना, मान लो इससे 12% की जीएसटी लग रही है तो ये 12% कर दिया, एंटर करेंगे एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, गोडाउन किस गोडाउन में जाएगा, देवरिया गोडाउन में रख देते हैं, ठीक है, 5 रख देते हैं, और रेट क्या डालते हैं, और रेट मान लो क्या डाला जाए, यहाँ पे 2001 का डाल देते हैं, 2000 है ना, क्वेश्चन ये दिया गया 2001 का, तो 10000 रुपये का टोटल सामान हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर डिस्काउंट लगाना है नहीं लगाना छोड़ देते हैं, यहाँ पर आते हैं अल्ट सी करते हैं, फिर यहाँ पे आइटम टू कर लेते हैं, आइटम टू क्योंकि हमें अमाउंट दिया गया है तो ये अमाउंट हम नहीं डालेंगे, और यहाँ पे आइटम टू कर देते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है पहले बार चेक कर लेते हैं, यहाँ केवल आइटम दिया गया, आइटम वन कर लेंगे, यहाँ पे इसको अल्टर करना है तो क्या करेंगे, इसको अल्टर करना है तो यहाँ से बाहर आना पड़ेगा, तो ये बाहर आ जाते हैं और अल्टर कर लेते हैं, कहाँ जाके अल्टर करेंगे, इन्वेंट्री इनको ये टैली या पी नाइन जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अल्टर करेंगे, तो यहाँ पे अल्टर का कोई दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे अल्टर, बताओ स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम दिख रहा है लेकिन क्या अल्टर दिख रहा है, चलो स्टॉक आइटम पे आ जाते हैं, अब हमें अल्टर दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे नीचे अल्टर दिखेगा, तो यहाँ पे जाकर के और ये आइटम था ना, इसको आइटम वन बनाना है, बाकी सब तो सही है लेकिन यहाँ पे आइटम को आइटम वन बना देना, बस ये हो गया, कंट्रोल ए प्रेस कर लेंगे, एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर वापस चले जाएंगे परचेज वाउचर में, अपना वही काम हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर सप्लाई का इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे 1 अगस्त का ही डेट रहेगी, और यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी हमारी मनोज ही है, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे, यहाँ पे परचेज अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर बाई बात करके आइटम वन की, तो ये आइटम वन ले लिया हमने, देवरिया गोडाउन था, ये गोडाउन भी एक्टिवेट कर रखा है मैंने, मान लो 5 आइटम है, एक आइटम 2000 बताया था ना, क्वेश्चन में 2000 है, डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, फिलहाल डिस्काउंट छोड़ता हूँ, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पे अब आइटम टू की बात करेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं आइटम टू, ये लिख दिया, एंटर किया एंटर किया एंटर किया, यहाँ पर एनुअल फी रखना है क्योंकि नंबर फी दिया गया है, यहाँ पर अगर अलग से जीएसटी देना है वहां पे 12% दिए थे, 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी, ठीक है, यहाँ पर अलग से फिर जीएसटी देना है, यहाँ पे जीएसटी 18% लगेगा, ये आइटम टू कोई ऐसा स्टॉक आइटम है जिसपे 18% का जीएसटी लगता है, तो 18 जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे तो परसेंटेज अपने यहाँ आएगा, 9-9% हिसाब से डिवाइड हो जाएगा ये सीजीएसटी एसजीएसटी में, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कराएंगे, ये भी जाएगा देवरिया गोडाउन में, और यहाँ पे कर लेते हैं 5, एक की कीमत रख देते हैं 4000, जो भी सामान है एक की कीमत 4000 रुपए है, ठीक है, सामान का नाम नहीं दिया गया है तो इस तरीके से आप एंट्री करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पे आइटम 3 कर लेते हैं, आइटम 3 भी दिया गया है तो यहाँ लिख देते हैं आइटम 3, लिखा हमने एंटर किया, यहाँ पे एनवेस कर देंगे एंटर करेंगे, यहाँ पर जीएसटी अलग है, ध्यान दीजिएगा वहां पर अलग था यहाँ पर अलग है, ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी जो है
यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एंटर कीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू रहेगा, अननोन नहीं रहेगा, यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा। यहाँ पर जीएसटी 21% है, मैंने आपको बताया था, या तो 5% या तो 10% या तो 12% या तो 18% या तो 21% या तो 28% का ही जीएसटी लगाया जाता है गुड्स पे, ठीक है, गुड्स यानी सामान पर। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये हो गया। यहाँ पर ये देवरिया गोडाउन में ही जाएगा, एक बार दस कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं एक का कितना करें, 3000 कर दें, 3000 कर देते हैं, ठीक है, ये कर दिया, 30000 हो जा रहा है, गड़बड़ हो जाएगा, 10 देते हैं, 5 कर देंगे, हो जाएगा, हो गया 10000, ठीक है। अब ये तीनों हो गया है हमारे पास, अलग अलग सब पे हमने क्या दिया है, जीएसटी दिया है, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी का लेजर लगाना है, तो सीजीएसटी हमारे पास पहले से है, नहीं होगा तो अर्थसी करके बना लेंगे, सीजीएसटी आ गया, अब यहाँ पे एसजीएसटी आएगा, तो ये एसजीएसटी दिया, आ गया ना दोनों, कोई दिक्कत, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस रहेगा क्योंकि नया बिल है। यहाँ पे नरेशन में क्या डालेंगे, गुड्स हैव बीन, अब चूंकि ये परचेज का बिल है तो यहाँ पे परचेज कर देंगे, हैव बीन परचेज, परचेज किया गया है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे परचेज, हो गया, और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ये एक्सेप्ट करा लिया, इसको हमें देखना है प्रिंट आउट, हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा टैक्सेस का स्लैब है वो भी इसमें शो करे, तो ऑल्ट पी प्रेस कीजिए और यहाँ पे एंटर करिए, तो ये यहाँ पे टैक्सेस पूरा शो नहीं कर रहा है, तो टैक्स शो कराना है तो क्या करेंगे, ऑल्ट पी करने के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है कॉन्फिगर, कॉन्फिगर दिख रहा है, ये कॉन्फिगर दिख रहा है कि नहीं, तो बस यहीं पे आपको जाना है कॉन्फिगर पे, जैसे ही कॉन्फिगर पे जाओगे तो यहाँ पे प्रिंट, अब देखो यहाँ पे सब चीज दे रहा है, देखो यहाँ पे स्टेटरी डिटेल में आओगी तो यहाँ पे सब दिखाई देगा, दिख रहा है, तो यहाँ आइटम वाइज जीएसटी डिटेल दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है प्रिंट जीएसटी एनालिसिस ऑफ आइटम, तो क्या जीएसटी का एनालिसिस ऑफ आइटम ये देखना है और ये देखना है, दोनों देखना है, तो यहाँ पे दोनों को यस कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रिंट जीएसटी परसेंट कॉलम, जीएसटी के परसेंट का कॉलम भी चाहिए, तो यहाँ पे इसको भी यस कर सकती हो, यहाँ पे दबा के यस करोगी, ये कब यस होगा, जब ये वाला जो है बंद हो जाएगा तब यस होगा, तो पहले हम इसका प्रिंट आउट देखते हैं कंट्रोल ए करके, और इसका प्रिंट आउट देखते हैं कैसा प्रिंट आउट आ रहा है, तो ये प्रिंट आउट है आपका, देखिए कुछ इस तरीके का प्रिंट आउट आएगा, इसमें सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स का देखिए सब अलग अलग दिखा रहा है, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए ये जो है 6% के हिसाब से लगा है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, यानी 12% पहले पे लगा है, 9-9 18% दूसरे पे लगा है, और फिर 10.5-10.5 यानी कि 10-10-20-21% जो है तीसरे पे लगा है, तीनों दिख रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, तो अगर नहीं नाम दिया होगा तो इस तरीके से कर लेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रश्न दे दिया गया, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा प्रश्न है, और ये देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्रश्न ये दे दिया गया कि सामान खरीदा, ठीक है, और सामान का नाम नहीं दिया है, यहाँ पर भी सामान का नाम नहीं दिया था, वहां पर भी जो क्वेश्चन दिया गया है वो सामान का नाम नहीं है, और ये कह दिया गया कि 5000 का सामान खरीदा, ना अमाउंट दिया गया ना नाम दिया गया, केवल ये दे दिया गया कि सामान 5000 का खरीदा, ठीक है, किससे, मनोज, मनोज जो है क्रेडिटर पार्टी है, उन्हीं से खरीदा गया है, क्रेडिटर पार्टी का नाम दिया गया, इनकेस अब क्रेडिटर पार्टी का नाम ना दिया जाए तब क्या करेंगे वो भी बताता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं, कितने का सामान खरीदा है, 5000 का, ठीक है, किससे खरीदा है, मनोज से, तो यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ आइटम दिख रहा है, तो नेम ऑफ आइटम को चेंज कर दो, यहाँ पे किनारे दिखेगा अकाउंटिंग इनवॉइस, ऑल्ट के साथ आई प्रेस कर दो, तो ये आ गया यहाँ पे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो बस यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का नाम आएगा, तो मनोज हमारे क्रेडिटर पार्टी का नाम है, अगर नहीं बनाया तो ऑल्ट सी करके हम बना सकते हैं, फिलहाल हमने बना रखा है, तो यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का नाम लगा दिया, ठीक है, क्रेडिटर पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश की ही है, यहाँ पे सारी डिटेल पहले से है, यहाँ पर क्या करेंगे परचेज अकाउंट का लेजर लगेंगे सीधा सीधा, कितने की परचेजिंग हुई, 5000 की, 5000 का ना, ये हो गया। अब इसमें जीएसटी हम कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे जीएसटी बताइए, जैसे मान लीजिए जीएसटी में इसमें दिया गया है, देखिए 125 रुपए अपने आप जीएसटी आ गया, ये 125 रुपए जीएसटी बाई डिफॉल्ट जो लगाया गया वो आया है, क्या हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, तो देखिए 5000 है ना, तो इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपके जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, अगर आपको दिया गया है कि यहाँ पर 200 रुपए सीजीएसटी लगा और फिर यहाँ एसजीएसटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ एसजीएसटी 125 ही आ रहा, तो फिर 200 रुपए एसजीएसटी भी लगेगा, जितना सीजीएसटी लगता है उतना ही एसजीएसटी लगता है, तो आपके बिल में दिया हुआ है वो देख करके आप इस तरीके से एंट्री पास कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कराइएगा, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया, तब क्या करेंगे, क्रेडिटर पार्टी का नाम ही ना हो तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कैश कर लेंगे, क्या रखेंगे, कैश, क्योंकि क्रेडिटर पार्टी दिया नहीं गया है ना, अगर आपसे कहा जाए कि 2000 रुपए का सामान खरीदा और डेट दे दिया जाए कि इस डेट पे खरीदा, कितने का सामान, 2000 रुपए का, ठीक है,
तो 2000 रुपए का सामान खरीदा के एंट्री कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग, एंटर कर दीजिएगा। चूंकि कुछ दिया नहीं गया है क्रेडिटर पार्टी का नाम, तो यहाँ पर सीधा सीधा कैश कर दीजिए, कैश कर दिया, यहाँ पर एंटर करते हुए आ जाइए। जैसे ही आएंगे तो यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर लगा दीजिए, कितने का सामान खरीदा है 2000 रुपए का ना, तो 2000 रुपए लगा दिया। अब यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दीजिए, तो यहाँ पे पहले सीजीएसटी लगाएंगे, सीजीएसटी ऊपर दिया गया है, ये सीजीएसटी लगा गया, यहाँ पे सीजीएसटी दिया गया है, तो मान लीजिए सीजीएसटी कितना दिया गया, 200 रुपए सीजीएसटी हो गया, और यहाँ पे बिल में आपको दिया गया है 200 रुपए एसजीएसटी हो जाएगा, तो यहाँ 200 रुपए एसजीएसटी लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे, समझ में आ गया, आया कि नहीं? ठीक है।